वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेश का लीडरशिप कंसल्टेंट। आज की स्ट्रेटजी एडिशनल सर्विस डायमेंशन, ये वाक्य में बहुत दमदार स्ट्रेटजी है। मैं आपको ज़्यादा फोर्स तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस स्ट्रेटजी के बारे में ज़रूर ब्रेनस्टॉर्म करिए और इसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करिए, क्योंकि ये वो स्ट्रेटजी है आपके बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंज लेकर आ सकती है। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अमेजोन एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन जब अमेजोन स्टार्ट हुई थी, यानी कि अमेजोन जब फाउंडेशन उसकी रखी गई थी, तो स्टार्टिंग में वो ऑनलाइन बुक्स को सेल करती थी। जैक बेजोस ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखा कि मैं नया क्या कर रहा हूँ, यानी कि पूरी मार्केट के अंदर बुक्स सेल हो रही हैं, मैं नया क्या कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि मैं ऑनलाइन बुक्स को सेल कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक चीज़ को सोचा कि मैं ज़रूरी थोड़ी है बुक्स को ही बेचूँ, मैं और भी कई सारी चीज़ों को जो है सेल कर सकता हूँ, जैसे कि हाउस होल्ड आइटम्स हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपकी और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको मैं सेल कर सकता हूँ। उन्होंने ऐसा किया भी। इसी को कहते हैं एडिशनल सर्विस डायमेंशन। उन्होंने और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को ऐड किया और ऐड करके अपनी मार्केट के साइज को बड़ा किया, और आज की डेट में एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेजन, और जो जेफ बेजोस है वो दुनिया के बहुत बड़े रिचेस्ट पर्सन भी है। ऐसा ही आप भी कर सकते हो। आप ये देखिए कि मैं एक्चुअल में मेरा की मेन फैक्टर एरिया क्या है, और वही जेफ बेजोस ने देखा था कि मैं सिर्फ ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ, मैं उसको जो है अपने कस्टमर को ऑर्डर को उसके घर पर देकर आ रहा हूँ, ये उनका की मेन फैक्टर एरिया था। आप भी देखिए कि मेरा की मेन फैक्टर एरिया क्या है, उस चीज़ को देखते हुए आप कुछ ना कुछ सर्विसेज को ऐड करिए और अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाइए। क्योंकि आज अमेजन क्या है, अमेजन एक लॉजिस्टिक कंपनी है, और दूसरी चीज़, प्रोडक्ट किसी और का खरीद कोई और रहा है, अमेजन पैसा छाप रहा है, इस चीज़ को आप समझिए। वही चीज़ आपको करनी है, आपको अपने की मेन फैक्टर एरिया को समझना है और अपने बिजनेस को आगे लेकर जाना है। उसी तरीके से जोमेटो ने किया। जोमेटो स्टार्टिंग में क्या था, एक फूड लवर का पेज था, और उस फूड लवर पेज ने अपने कस्टमर के पूरे परसोना को समझते हुए उसने ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट कर दी, यानी कि प्रोडक्ट किसी और का, यानी कि फूड किसी और का, खाना किसी और को जोमेटो क्या कर रहा है, अपना नोट छाप रहा है। वही आप भी कर सकते हो। जोमेटो ने भी तो यही किया। जोमेटो क्या है, एक लॉजिस्टिक कंपनी तो है, वो फूड को एक रेस्टोरेंट से उठाकर अपने कस्टमर को डिलीवर करती है, ये एक लॉजिस्टिक है। वैसा ही आपको करना है, आप अपने की मेन फैक्टर एरिया को पकड़िए और अपने बिजनेस को जो है एक अच्छे लेवल पर लेकर जाइए। गूगल स्टार्टिंग में एक ऑनलाइन सर्च इंजन था, और आज की डेट में उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पूछा, प्रभु के आमी, यानी कि कौन हूँ मैं, यानी कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे की फैक्टर एरिया क्या है, मेरी एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है, जब तक आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आप अपने बिजनेस के अंदर ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और उस स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाइए, और जब आपकी स्ट्रेंथ आगे बढ़ेगी तो आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, और उसके हिसाब से आप सर्विसेज को ऐड करते चलिए, और जब ऐड हो जाएंगी तो आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पर चला जाएगा। यही तो हम चाहते हैं और यही आप भी चाहते हो। मेरा बस इतना ही कहना है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताते रहिए ये सारी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी।